ये क्या कर रहे हो? चित्र बनाने की तैयारी। चित्र? किसका चित्र? तुम्हारा। हटो, हमारे परिवार में पति लोग ऐसा नीचा काम नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? बस मजा करते हैं और कुछ नहीं। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। हिलो मत, वैसे ही खड़ी रहो। कैसा लगा? ओ, तुम जा सकती हो। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? कामिनी। क्या कर रही हो? मैं थक गई हूं। बस थोड़ी देर और है, चित्र खत्म ही होने वाला है। फिर अभी तुम्हारा जो बायां हाथ वो कान के पास ऐसे, और दाएं हाथ से ऊपर जैसे, तो फूल जैसे, तो ऐसे खोल रहे हो उसको। ये देर से तुम यही क्या? तुम सिर्फ एक चित्रकार हो? और मैं एक चीज जिसका तुम चित्र बनाना चाहते हो। बुध मैं तो भूल गयो रे, एक लचक में सोहिल को रे, जोगन भाग जगा रे मोरे। ओ ओ बैरन जैसे धरती ओढ़े, नील गगन हम मिलेंगे ये।
से रहता, जब चमक नहीं थी तारों में ना सोच ये नीति क्या कहती है आ पहचा मेरी तारों में ओ कामिनी ओ कामिनी क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? किसलिए? किसलिए? अछूतों को छूने के लिए और इस सब गंदगी के लिए। सब लोग हंसते हैं मुझ पर तुम्हारी वजह से। नौकरों के साथ इस तरह का मेलजोल, पता नहीं क्या क्या करते होगे उसके साथ। तुम्हारा कोई मान सम्मान है या नहीं? मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूं, मेरे घर में ये सब नहीं चलने वाला। मुझे कोई परवाह नहीं। राजा रवि वर्मा, क्या आप आदरणीय कोर्ट को यह बताएंगे कि आप किस राज्य के राजा हैं? खामोश रहने से आप बच नहीं पाएंगे। राजा रवि वर्मा, कला का राज्य। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। पर क्योंकि आप अपने आप को राजा कहलाते हैं, आपका कोई राज्य भी होना चाहिए वास्तव में, आपकी कल्पना में नहीं। तो बताइए कहां है ये आपका राज्य? मद्रास चित्रकला प्रतियोगिता में जहां हिंदुस्तान और यूरोप के भी चित्रकारों ने हिस्सा लिया, वहां हमारे राज चित्रकार ने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। त्रावणकोर राज्य के रवि वर्मा को उनके सुंदर चित्र नायर स्त्री के लिए, जिसमें उन्होंने पूर्व और पश्चिम की चित्र शैलियों का अनूठा मेल किया है, गवर्नर का स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया जाता है। तुम चाहे मेरे भाई हो, लेकिन किसी कलाकार का अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। रवि वर्मा, तुम ट्रावणकोर के गौरव हो। अपनी कला से तुमने इस राज्य को सम्मानित किया है। इस वीर श्रृंखला को स्वीकार करो। मैं आइलियम तिरुनाल, ट्रावणकोर का राजा, तुम्हें राजा की पदवी देता हूं। राजा, आज से तुम राजा रवि वर्मा के नाम से जाने जाओगे। आज के बाद कोई ये न कहे कि कलाकार किसी राजा के बराबर नहीं। रंग रसिया, 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 रंग रसिया। रवि चट्टा, रवि चट्टा, रवि चट्टा, रवि चट्टा, सब कुछ खत्म हो गया। महाराज नहीं रहे।
सुनकर बहुत दुख हुआ महाराज। तो अब क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैंने सोचा नहीं। तो सोचो। एक म्यान में दो तलवारें तो रह नहीं सकती, और ये राज्य दो राजाओं के लिए बहुत छोटा है, राजा रवि वर्मा। मैं आपका बहुत आभारी हूं महाराज, आपने मुझे मेरी दुविधा से मुक्त कर दिया। राजा से रंग एक ही पल में, जैसे वो सब एक सपना था। काश हम अपनी जिंदगी बदल सकते। अगर हम बंबई नहीं आते तो ये सब होता ही नहीं। माधवराव जी अब बड़ौदा स्टेट के दीवान थे और उन्होंने हमें बंबई बुला लिया। वेलकम टू बॉम्बे रवि, उम्मीद है बंबई तुम्हें रास आएगी, इसे अपना ही घर समझो। मैं आपका बहुत आभारी हूं दीवान साहब। मुझे तुम्हारी कला भी पसंद है और कलाकार भी। पता नहीं अब वो कलाकार जिंदा है भी या नहीं। चिंता मत करो, हम इतनी आसानी से उस कलाकार को मरने नहीं देंगे। बंबई सपनों का शहर है, यहां काबिल इंसान की कद्र होती है। मुस्कुराओ अब और सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। कलाकार हूं। कलाकार? क्या है तुम्हारी कला? लड़कियों को घूरना, उनका पीछा करना, शर्म नहीं आती? आप मुझे गलत समझ रही हैं। खूब समझती हूँ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। सिर्फ एक थप्पड़ के लायक हो तुम, बेशर्म। बस मुझे लगा था कि तुम मेरी कला को जगा पाओगी, पर मुझसे भूल हुई। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर जो भी हो बेहद सुंदर हो। न जाने कितने चाहने वाले तुम पे मरते होंगे, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी। जवानी के साथ ये भी ढल जाएगी, लेकिन मेरी कला रहेगी हमेशा।